हेलो गाइज, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते। आज मैं जा रही हूँ बहुत ही फेमस बिहार के पार्टी वेयर, चटनी, आलू का चटनी बोलिए या अचार बोलिए, जो वो मैं बनाने जा रही हूँ, जो काफ़ी टेस्टी और यमी होता है। अक्सर बिहार में इस तरह के अचार पार्टी भोज में बनते रहते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 kg से 1.5 kg के लगभग आलू लिए हैं, जिसे मैंने उबाल लिए हैं। इस तरह से इसके छिलके निकाल ले, हाथों से इसे इस तरह से मैश कर ले, पूरे मैश ना करे, हल्का हल्का इस तरह से मैश कर। यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं, यहाँ ग्रीन चिली है, मैंने मेथी भून करके लिए हैं। जैसे जैसे मैं मसाले डालूँगी वैसे वैसे आपको इसका मात्रा बताती जाऊँगी। इधर मैंने पानी लिए है, इसे मैं हल्का सा गर्म कर लूँगी। 1 glass के लगभग पानी है। तो चलिए मैं आलू को पहले मैश कर लेती हूँ। इस तरह से आप इसे मैश कर लें। इसमें मैंने पानी जो गर्म किए थे आप देख सकते हैं, इधर मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिए हैं, देख सकते हैं। इस तरह से आप पानी डाल करके इसे अच्छा गर्म पानी ही ध्यान रखें। अच्छा है, कई महीने तक ये अच्छे से चल भी जाता है। तुरंत बनाइए, तुरंत खाने वाली, 1-2 दिन के अंदर में भी ये तैयार भी हो जाता है। 1 glass मैंने इसे पानी ऐड किए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा इसे मैश नहीं किए, इसी तरह से आप भी करें। जब तेल भी गर्म हो चुका है, इसे हम लोग अब थोड़े से ठंडा होने के लिए गैस को बंद कर दें। इंडक्शन पे है तो इंडक्शन को बंद कर दें। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ तेल गर्म हो चुका है। इसमें सबसे पहले मैं थोड़े से जो मैंने लहसुन कट किए थे, 7-8 लहसुन को आप छील करके अच्छे से कट कर लें, उसे डाल दें, जिससे वो लगातार पक जाएगा तो और भी टेस्ट इसका। यम लगा अदरक को भी मैंने ग्रेटर की सहायता से कद्दूकस कर लिया। इस तरह से सारे इन्ग्रीडियंट्स को इसमें डाल करके मिर्च अदरक और सबको इस तरह से मिलाते रहें, अच्छे से ये पक जाएंगे। यह मैंने पानी डालकर के इसे भी मैश कर लिए हैं। अब आप इसमें मैंने 2 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर ऐड किए हैं, इतना ही आप चाहें। आप यहाँ पे सूखा मिर्च भी मैंने 1 से 1.5 चम्मच के लगभग अंदाज से मैंने इसमें ऐड किए हैं। मेथी पाउडर 2 से 3 चम्मच के लगभग है, इसे मैंने भून करके पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है इस तरह से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अजवाइन भी मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पे ऐड किए हैं। इन सारे सामग्रियों को आप डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करें। इधर आप देख सकते हैं तेल भी ठंडे हो चुके हैं। 4 से 5 चम्मच आप सरसों का जो पाउडर मैंने बनाए हैं, इस तरह से सरसों का आप ग्राइंडर जार में डाल करके पीस लें। 3 से 4 चम्मच मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इन सारे सामग्रियों को इस तरह से। अब इसमें आप नमक स्वादानुसार आप 3 से 4 चम्मच के लगभग डाल दें। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी ये अचार होता है। आप एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बना करके खाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इधर मैंने तेल भी ठंडे हो चुके हैं। अब इसे आप इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स, इसमें मैंने तेल अच्छे से डाल दिया है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा भी कच्चा है लहसुन। इसे 1 से 2 दिन आप धूप में, आजकल ठंडियों में धूप तो कम ही निकलती है, इसलिए 2 से 3 दिन आपको लग जाएंगे इसे पकने में। मसाले को अच्छे से पक गया, उसके बाद में आप इसे इंजॉय कीजिए। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बिहार का बहुत ही फेमस और यम्मी ये है चटनी। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इस तरह की है बिहार में ये दही चूड़ा के साथ है। ये चटनी बहुत ही चाव से खाई जाती है पार्टी वेयर की चटनी। आप लोग भी इसे अचार बनाइए और इंजॉय कीजिए। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।